अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपकी स्किन से रिलेटेड काफ़ी मसले इससे सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो। इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये फेस पैक आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को रिड्यूस कर देगा और आपकी स्किन से डार्क स्पॉट्स को भी काफ़ी हद तक कम कर देगा और आपकी स्किन को इवन टोन बना देगा। तो ये पैक बनाने के लिए कोई हमें ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो हमारे घर पे अवेलेबल ना हो। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर पे ही मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए टोमेटो का जूस। टोमेटो जूस फॉर स्किन हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ये सन टैन को रिड्यूस कर देता है, स्किन को इवन टोन बना देगा और हमारी इस डैमेज स्किन को भी काफ़ी हद तक रिपेयर कर देता है और हमारी स्किन को एक हेल्दी ग्लो दे देता है। उसके बाद हमें चाहिए पोटैटो का जूस। जूस बनाने के लिए एक आलू लेंगे हम, उसका हम छिलका उतार देंगे और उसको कर देंगे कद्दूकश और उसके बाद हम किसी स्ट्रेनर में डाल के उसको उसका रस निकाल देंगे और वो जूस हम इस रेमेडी में यूज़ करेंगे। आपकी स्किन को लाइटन और ब्राइटन कर देगा पोटैटो का जूस। स्किन से एज स्पॉट को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, हमारे रिंकल्स को भी रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन से फ्रेकल्स वगैरह सन टैन काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। टोमेटो का जूस यहाँ पर मैंने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून और जो पोटैटो का जूस लिया है हमने वो भी 1 से 1.5 टेबल स्पून है। इन दोनों जूसेस को हम आपस में करेंगे मिक्स। अब हम इसको पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। चावल के आटे में बहुत ही ज़्यादा एंटी एजिंग और स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और इसके अलावा ये एक वंडरफुल एक्सफोलिएटर भी होता है। ये अपनी फाइन पार्टिकल्स की वजह से हमारी स्किन से डेड स्किन को रिमूव कर देता है बगैर किसी हार्शनेस के। राइस फ्लावर हमारी स्किन से ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर देता है और एक्ने से भी बचाता है। उसके बाद हम लेंगे इसमें मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर इजीली मार्केट में अवेलेबल है, एक दो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका ये पाउडर बना हुआ भी आता है। अगर आपको मिल जाता है तो आप वो ले लें। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे इसमें डालेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देती है और हमारी स्किन से उन बैक्टीरियाज़ को भी क्लियर कर देगी जो हमारी स्किन में पिम्पल्स बनाते हैं और ये हमारी स्किन से डार्क स्पॉट, पिगमेंटेशन और एक्नी स्कार्स को भी काफ़ी हद तक ख़त्म कर देती है। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हम स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी के। चावल का आटा हमने लिया था 1.5 टेबल स्पून। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा कंसिस्टेंसी में थोड़ा वाटरी है तो आप इसमें चावल का आटा थोड़ा और ऐड कर लें। मैंने भी यहाँ पर 1 टीस्पून, 1/2 से 1 टीस्पून तक इसमें चावल का आटा और ऐड कर दिया है। अब हम इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। अब ये जो है बहुत अच्छा सा पेस्ट फॉर्म में आ चुका है। एक लास्ट इंग्रेडिएंट अब हम इसमें एक और ऐड करेंगे और वो है लेमन जूस। लेमन का हम जूस लेंगे इसमें। लेमन में विटामिन सी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। लेमन हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा क्लियर कर देता है और हमारी स्किन के जो डैमेज सेल होते हैं उनको भी रिपेयर कर देगा, जिससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा हमको। लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब हम इनको करेंगे आपस में बहुत अच्छी से मिक्स और अगर आपको इसके बाद भी लगे कि ये जो पेस्ट बना है वो थोड़ा वाटरी है तो आप इसमें चावल का आटा थोड़ा सा और ऐड कर दें और अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। ये फेस पैक आप रेगुलर अपने फेस पे अप्लाई करें, कम से कम 6 to 7 days आप इसको रेगुलर अप्लाई करें। ये मास्क आपके फेस से डार्क स्पॉट्स को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देगा और
पिंपल्स के जो स्पॉट्स होते हैं उनको रिड्यूस करेगा, पिगमेंटेशन ख़त्म करेगा, आपकी स्किन से सन टेंस को भी रिमूव कर देगा और आपकी स्किन बहुत ही अच्छी क्लियर और ग्लोइंग हो जाएगी। और ये सब ये एक आजमाई हुई रेमेडी है, आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। एक थिक सी लेयर आप अपने पूरे फेस पे इसकी अप्लाई करें और इसको नेचुरली ड्राई होने दें पूरी तरह से। जब ये ड्राई हो जाए तो एक टाइटनिंग इफ़ेक्ट आएगा आपकी स्किन में। 15 से 20 मिनट या 20 से 25 मिनट तक आप इसको फुली ड्राई होने के लिए छोड़ दें और जब ये पूरी तरह से ड्राई हो जाए उसके बाद आप सादे पानी से इसको पहले वॉश कर लें और उसके बाद आप किसी भी फेस वॉश से अपना फेस को वॉश कर लें। फ्रेंड्स, आज की रेमेडी आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।